वाह रे वाह, ये जोड़ी तो लाखों में एक है। लड़की बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा दिखती है। ये हो क्या रहा है? अरे रुको ना यार। सुनो बेटा, अपनी रानी को अपना शीश महल तो दिखाओ। जी अच्छा, आओ आओ बेटा, चल चल। ए हीरो, कबाब में हड्डी बनने क्यों जा रहे हो? ए भीमा, इनके रहने का इंतजाम अपने गोदाम में करो। हाँ? आओ अपना दाहिना पैर अंदर रख कर आओ। आओ बेटी। अरे शर्मा क्यों रही हो? आज पहली बार तू हमारे घर पर आया है, नहीं तो बचपन से अपने चाचा के घर में रहा है। ए बेटा, जा इसे अपना घर दिखा। पूजा जी, जब से आप मेरी जिंदगी में आई हैं, मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई है। ये सब ईश्वर की कृपा है। मैंने जितना मांगा मुझे उससे ज्यादा मिला। मेरे माता पिता आज वो जहां भी होंगे बहुत खुश होंगे। माँ कहा करती थी, पत्नी को खुश रखना ही पति का धर्म है, इसलिए पहले से तैयारी कर रखिए। क्या हुआ पूजा, बताओ बताओ ना क्या हुआ? अपने मम्मी पापा की याद आ गई? एक मिनट। बेटी पूजा, कैसी हो तुम? बेटा मैं ठीक हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, अबे वेंकटेश पर यकीन है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। बेटी पूजा, तो कभी यहाँ फोन मत करना, जरूरत होगी तो हम तुम्हें फोन करेंगे, किसी को पता चला तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। अब तो तुम खुश हो ना? तुम तो मुझसे ज्यादा सेंसिटिव हो। मैं कभी कभार झूठ बोलकर मन हल्का कर लेता हूँ, तुम तो झूठ भी नहीं बोलती, परेशान भी नहीं करती, इस तरह जीने में थोड़ी तकलीफ तो होगी। ये सब क्या है प्रसाद जी, आप तो यहाँ बिन बुलाए मेहमान की तरह लग रहे हैं। मुझे तो लगता है पूजा की शादी मुझसे नहीं होने वाली है। अब क्या करें यार, सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। वो देखो वहाँ पर जो मोटी औरत बैठी है ना, उसके पास जाकर उसे अपनी प्रॉब्लम बता के पूजा को यहाँ से लेकर चले चलते हैं। ये सब हिसाब में लिख दे। नमस्ते बहन जी। हाँ, नमस्ते नमस्ते। हमें आपसे कुछ बात करनी है। दीदी। हाँ बोली ना। अरे मैं बड़े लोगों से बात कर रही हूँ, मुझे चिंता नहीं है। क्या क्या मिल गया? ए इन सब बदमाशों को यहाँ लेकर आ। क्यों बे कमीने, इतने दिन तक कहाँ छुप कर बैठा था रे? बोल बोल कमीने, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, नहीं छोड़ूंगी तुझे। तूने और तेरी बहन ने मिलकर उस लड़के की जिंदगी तबाह कर दी। कमीने, उसके साथ क्या का नाटक किया, उसने कहा कि मैं तुझसे शादी करूंगी और अब किसी पैसे वाले को जाल में फंसा कर अपनी बहन की शादी करवा रहा है। कमीने, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। चल भाग यहाँ से, दोबारा देखना मत। हाँ बोलिए, आपको क्या बात करनी थी? कुछ नहीं बहन जी, वेंकटेश की शादी में मैं आपको एक अच्छी सी साड़ी दूंगा। मुझे साड़ी देने वाला तू कौन होता है रे? हम ही आपको धोती कुर्ता देंगे। जैसी आपकी इच्छा। अरे पिताजी 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 सुनिए। अरे मैं जी कर क्या करूं, ऐसे जीने का क्या फायदा? आपको मेरा ही बेटा उस प्रकाश के साथ पूजा को यहाँ से भगा के ले गया, पूरा प्लान फेल हो गया, हमारे नाक के बीच में से ले गया वो। उसकी हिम्मत देखो तुम सब लोग, ऐसे हालात में मैं क्या करूंगा जीकर। वैसे भी मेरी तबीयत खराब ही रहती है आजकल, अब ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तुमने अब तक मुझसे बहुत बात करवाई, मेरा मर जाना ही अच्छा है। मैं अच्छा है कि मर जाऊं? अरे पिताजी, मैं आपसे बात करता हूं, मर जाऊं तो अच्छा रहेगा। पूजा जिससे प्यार करती है, मैं उसी से उसकी शादी करवाऊंगा। कैसे करवाओगे, अभी वो कहाँ होगी किसे पता? पिताजी पूजा कहाँ है ये मैं जानती हूँ। अरे सुनिए सब सुनिए, हमारे लिए खुशखबरी है। पूजा की माँ का फोन आया था, वो शादी के लिए तैयार है और हमें वहाँ बुलाया है। शादी के लिए राजी हो गई? ये तो नया ट्विस्ट आ गया। अरे उन्हें राजी तो होना ही था, तुम्हारे जैसे हीरे को भला कौन मना कर सकता है। बाबूजी सारा क्रेडिट उन्हें ही जाता है। वो कौन है और कौन? हमारे भगवान कृष्ण। पहाड़ जैसे इंसान है आप खुद को जलाकर खत्म करने जा रहे थे, सोचिए कितना बदल गए हैं। ए वैरागी, जैसे पूजा आएगी उसे अंदर लेकर जाना और उस वेंकटेश के आते ही टुकड़े टुकड़े कर देना। हाँ? उस आदमी ने हमारे साथ गद्दारी की है, उसे कोई और नहीं मार सकता, मैं उसे खुद अपने हाथों से काटूंगा। राम नारायण, ये क्या जीजा जी, शादी करने के बजाय मारने की बात कर रहे हैं। अबे गधे, घर की औरतों को पूजा से बात करते हुए सुना था मैंने, इसलिए यहाँ बुलाने के लिए इतना बड़ा नाटक किया मैंने। नाटक का शौक है तो फिल्मों में जाकर ट्राई करना चाहिए था ना। कुत्ते का पिल्ला जब बदन पर घास ले डाला था उसी वक्त ताक लगा देता तो खेल खत्म हो जाता। हरामखोर कहीं का कमीना कहाँ कहाँ बस मजाक किया था। किस लिए? मेरा मन किया। आजकल बहुत उड़ रहा है तू,
पर काट दूंगा तेरे, चल अकाउंट देखते हैं। ना ये सुधरेगा ना वो सुधरेंगे। वेंकटेश तुम इन्हें क्यों ले आए? हमारे घर वाले नहीं आएंगे तो हमारी शादी कैसे होगी? आइए आइए। अरे लेकिन तुम जीत गए बेटा, तुमने सबको शादी के लिए राजी करके पूजा को अपना बना ही लिया। भद्र बेटा मेहमानों के रहने का इंतजाम करो। आओ बेटा तुम भी आओ, आप लोग जाकर आराम कीजिए। आओ बेटा। क्यों प्रसाद जी, यहाँ के बताएंगे कहा था, अभी तक बताया नहीं। तरह अचानक कैसे बता दूं? जब वक्त आएगा तब बताऊंगा। लगता है तुम्हारी वजह से मेरा सारा काम बिगड़ जाएगा। यार जाओ जाके कमरे में सो जाओ, जाओ। चाचा जी, भैया, अरे सब लोग इधर ही हैं। आप सब लोग शादी के लिए राजी हुए, मुझे जानकर बहुत खुशी हुई। वैसे आप लोगों को मैं एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। मैं भी तुझे एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। दरवाजा बंद करवा दिए, कोई खास बात है क्या? हाँ बेटा बहुत ही खास बात है, इधर आ। अब अगर गद्दारी की तो तुझे जान से मार डालूंगा। अब तो बदल गए थे ना, घर का आदमी इसलिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन उस वेंकटेश के तो मैं टुकड़े टुकड़े करके ही दम लूंगा और पूजा की शादी अपने पोते से ही करवाऊंगा। ये काम इतना आसान नहीं है चाचा जी, उनके साथ जो पलटन आई आपसे कम नहीं है। बैरागी, काली पहाड़ी के नरसिम्हा को फोन करो और उसे अपने आदमियों को यहाँ भेजने के लिए कहो। सर आपने उन्हें सब बता दिया ना? नहीं मेरे बंधु, उन्होंने मुझे बोलने का मौका ही क्या नहीं दिया। जब देखो कहानी बनाते हो, आपसे नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। इतने बेचैन हो तो जाकर बता दो। पर जाने से पहले अपना एड्रेस दे दो। क्यों? तुम्हारी मौत की खबर घर वालों को देने के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने हम लोगों को यहाँ शादी के लिए नहीं बुलाया है, कब्र खोदने के लिए। हमें यहाँ रुकने में खतरा है, हमें अभी निकलना होगा, चलो। और वेंकटेश? वेंकटेश का क्या है? मामा के कहने पर तुमने उसे प्यार का नाटक किया और इस बात का फायदा उठाकर तुम्हारे मामा उसे यहाँ ले आए। आज नहीं तो कल उसे सच्चाई का पता चल ही जाएगा, तब तुम कहीं और होगी और वो कहीं। तुम जैसे इंसान के साथ प्यार का नाटक करके मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तभी तो मैं रोज ऐसी मुसीबतें झेल रही हूँ। I'm sorry, Venkatesh. I'm really sorry. पूजा प्लीज, पूजा प्लीज, ये मत सोचना इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती है, इसमें मेरी भी गलती है। जब भी कोई प्रोग्राम करना होता है तो पहले ऑडियंस का रिस्पांस क्या होगा उसके बारे में 10 बार सोचता हूँ, लेकिन जिंदगी से जुड़े इस प्रोग्राम के बारे में मैंने एक बार भी नहीं सोचा। अपनी पत्नी को महारानी के रूप में देखना गलत नहीं, लेकिन महारानी को पत्नी के रूप में देखना गलत है, ये मैं समझ गया। मेरी जिंदगी ऐसी ही है, जब कोई प्रोग्राम होता है या कोई स्पीच देता है तो बीच वाले वक्त में ऑडियंस बोर न हो जाए इसलिए मुझ जैसे लोगों को बुलाया जाता है। तालियों की गूंज सुनकर हमें लगता है कि यह प्रोग्राम हमारी वजह से हिट हुआ है, लेकिन बाद में पता चलता है आई एम अ जोकर, जस्ट जोकर। इट्स ओके अजय, जो लिखा है वही होता है, यू आर लकी। पूजा, मैं हमेशा दुआ करता रहा हूं कि तुम खुश रहो और आगे भी यही दुआ करूंगा। तुम दोनों को यहां से निकालना मेरी जिम्मेदारी है। अजय, मुझ पर भरोसा रखो। वेंकटेश, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? बस थोड़ी तकलीफ हो गई है, वहां मेरे घर वाले खुश हैं, उन्हें यह बात बताना नो प्रॉब्लम, मैं मैनेज कर लूंगा। बेटी की शादी हो रही है। अच्छा, आप मुझे किसी बात की कोई हाँ, ये और ये देखो तो, चलो भगवान ने हमारी सुनी, इतना खूबसूरत है, प्यारी लग रही है। अरे क्या कर रहा है तू? अरे
अरे बेटा क्यों पी रहा? अरे मर जाएगा तू। मरने दीजिए, मेरे मरने से किसको फर्क पड़ता है? कल तुम्हारी शादी है बेटा और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। शादी शादी शादी, शादी नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा। वैसे भी ये शादी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? पूजा मुझसे प्यार नहीं करती है, अजय से करती है। फिर तूने हमसे झूठ क्यों बोला कि वो तुझसे प्यार करती है? उसने कभी आपसे कहा कि वो मुझसे प्यार करती है? कम से कम मुझसे तो नहीं कहा। दुनिया की बातें सुनकर पूजा को यहाँ लाने वाला मैं हूँ, गलती मेरी है। दिल में बसा कर जिसकी पूजा करनी चाहिए वो आज मेरे पैरों पर गिर कर माफी मांगने लगी। मैंने उसे यहाँ से छुड़ाने का वादा किया है। जिस लड़की ने तुझे चोट पहुंचाई उसी को मरहम लगाने की बात कर रहा है? इसमें उसकी क्या गलती है बाबूजी? पंडित जी ने कहा था ना कि मैं जिंदगी में अकेला ही रह जाऊंगा, वही तो हुआ। वैसे भी वो कहां और मैं कहां बाबूजी? सच कहूं तो प्यार ही नहीं करना चाहिए बाबूजी, बड़ी चोट लगती है, बहुत बड़ा दर्द होता है। मैं नहीं चाहता पूजा को ऐसा दर्द हो, इसीलिए मुझे उसे यहां से आजाद कराना है। मैंने एक प्लान भी बनाया है। पगला कहीं का, इस बेरहम मतलबी दुनिया में तो जैसे भले आदमी को ठुकराया ये उसकी बदकिस्मती है रे। वो अच्छी लड़की है बाबूजी, सारे फसाद की जड़ वो कमीना प्रसाद है। वेंकटेश, वेंकटेश, एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। वो क्या है सर? उन लोगों ने तुम्हें यहाँ पर शादी के लिए नहीं बुलाया, तुम्हें मारने के लिए बुलाया है। किसी तरह से मुझे यहाँ से निकालकर वेंकटेश से मेरी शादी करवा दो, यही रट लगाए बैठी है। जल्दी से कोई तरकीब सोचकर मुझे, अजय और पूजा को इस नर्क से आजाद करवाओ। हरी अब, मैं तो दो दिन का मेहमान हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो पूजा का क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा ये तुम क्या कह रहे हो? वो अपनी जान दे देगी। जान दे देगी? साले मेरी जिंदगी के साथ इतना खेला फिर भी तेरा मन अभी तक नहीं भरा क्या रे? मेरा गाना सुनकर पूजा मेरी फैन बन गई। फैन बन गई? फैन बन गई? और तुमने क्या कहा था? जब पूजा से मेरी शादी होगी तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ देख, हाँ, और क्या कहा था? वो अपना संतुलन खोकर पागल हो जाएगी और आत्महत्या कर लेगी। बेटा तू हट जा जरा। क्या हुआ बहन जी? इस कमीने की खबर तो मैं लेती हूँ।